यूपी निकाय चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। इसी क्रम में कौशाम्बी जिले के सराय अखिल नगर पंचायत में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की जीत के बाद सांसद संजय सिंह जनपद पहुंचे। इस दौरान वो बीजेपी पर हमलावर दिखे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश में महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा मुख्य मुद्दे हैं, लेकिन बीजेपी केवल ध्यान भटकाती है। इसके साथ ही उन्होंने द केरला स्टोरी फिल्म पर कहा कि बीजेपी पहले पहलवानों की स्टोरी देखे जो जंतर मंतर पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर उसको नहीं देखते हैं तो केरल स्टोरी की नौटंकी बेकार है। जानकारी के मुताबिक सराय अखिल नगर पंचायत से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते अनूप सिंह पटेल ने आभार कार्यक्रम रखा, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह भी शामिल हुए। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि भागवत जी खुद ही कहते हैं कि चार बच्चे पैदा करो, इसलिए मुझे लगता है कि पहले बीजेपी के लोगों को आपस में तय करना चाहिए कि उनकी खुद की राय क्या है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे हैं, बात करनी है जनता के मुद्दों पर बात करिए। भागवत जी तो खुद ही कहते हैं चार बच्चे पैदा करो, तो इसलिए मुझे लगता है कि पहले भाजपा के लोगों को आपस में तय करना चाहिए कि उनकी आप खुद की राय क्या है। पार्लियामेंट के अंदर मैं राज्यसभा में मौजूद था जब बहस हो रही थी। सरकार ने खड़े होकर कहा कि हम जनसंख्या नियंत्रण पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो भैया जब तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो तुम्हारी पार्टी के लोग क्यों ऐसे सवाल उठाते हैं। देखिए मुद्दा क्या है इस समय, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई 1200 रुपए का सिलेंडर हो गया, मुद्दा है किसानों के फसल का दाम दोगुना नहीं हुआ, मुद्दा है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, 26,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं यूपी के अंदर, बच्चों को नमक रोटी खाने के लिए दी जाती है, मुद्दा ये है। आप सांसद यही नहीं रुके, उन्होंने द केरल स्टोरी पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि बीजेपी वालों को पहले पहलवान स्टोरी देखनी चाहिए, अगर पहलवान स्टोरी नहीं देखते तो जहां पर हमारी बेटियां बैठी हुई हैं कई दिनों से, अगर उसको नहीं देखते तो तुम्हारी केरला स्टोरी की नौटंकी बेकार है। वही 2024 में चुनावी गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये अभी तय नहीं है, समय आने पर निर्णय लिया जाएगा। सबसे पहले पूरे भाजपाइयों को पहलवान स्टोरी देखनी चाहिए, अगर पहलवान स्टोरी नहीं देखते जहां पे हमारी बेटियां बैठी हुई हैं कई दिनों से, अगर उसको नहीं देखते तो तुम्हारी केरला स्टोरी की नौटंकी बेकार है। देश के पहलवान, देश की बेटियां जिन्होंने ओलंपिक में मेडल लिया, उनकी स्टोरी तो तुम सुनने के लिए तैयार नहीं हो, वहां तो जाने के लिए तैयार नहीं हो। 2024 में आम आदमी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी या किसी से गठबंधन करेगी, ये समय आने पे तय होगा। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि यूपी जैसे बड़े राज्य में जो सफलता हमको इस चुनाव में मिली है, अब यहां से हमारा सफर आगे बढ़ेगा, हम लोग संगठन निर्माण के काम में बहुत तेजी के साथ जुड़ने जा रहे हैं। बहरहाल निकाय चुनाव में कुछ सीटों पर जीतकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने वाली आम आदमी पार्टी लगातार प्रदेश में संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी ने जनाधार को बढ़ाना भी शुरू कर दिया है। खैर आगामी लोकसभा चुनाव में आपका प्रदर्शन कैसा रहता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इंडिया पब्लिक खबर के लिए कौशाम्बी से संवाददाता मोहम्मद बाकर की रिपोर्ट। संजय सिंह के इस बयान के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की बाकी बड़ी अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।